स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। इस चैनल का, इन कॉन्वर्सेशन का एकमात्र उद्देश्य है सकारात्मकता। तो आइए सकारात्मक बने और सकारात्मक बातों को ही शेयर करें। आज के इस कॉन्वर्सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बेहद खुशी की बात है कि आज हमारे बीच जो पर्सनालिटी इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद है वह हमारे पड़ोसी मुल्क से हैं। बाय प्रोफेशन ही इज लेप्रोस्कोपी एंड कैंसर सर्जन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ पब्लिक फिगर। बड़े ही आदरपूर्वक आप सभी के साथ आइए स्वागत करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का। सर, बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सहृदय धन्यवाद कि आपने यह अमूल्य समय हमें इस कॉन्वर्सेशन के लिए दिया। थैंक यू वेरी मच, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। आपके कुछ लफ्ज जो हैं वो चूंकि प्योर हिंदी और संस्कृत के हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहे, लेकिन उसका सारा मतलब मुझे मुकम्मल तौर पर समझ में आ रहा है, तो जहां मुझे ना समझ आया तो मैं आपसे पूछ लूंगा। जी जरूर बहुत शुक्रिया। 2020 एक ऐसा सन रहा जहां हम सभी ने कुछ ना कुछ लर्निंग करी है अपनी लाइफ में। आपकी सबसे बड़ी लर्निंग 2020 की क्या रही? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि आप ये कोविड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात कर रहे हैं। और देखिए, जब ये कोविड शुरू हुआ था तो एकदम हम पूरी दुनिया जो है वो शॉक में चली गई थी, और शायद पूरी दुनिया की तारीख में इतना बड़ा कभी भी ऐसा वाकया नहीं हुआ जो कि ये कोविड का जो वाकया हुआ है। देखिए, इससे पहले स्पेनिश फ्लू आया, जंगें भी हुई हैं, कितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं जिसे ना महायुद्ध जो हैं वो सारे हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा वाकया कभी नहीं हुआ कि जिसमें पूरी की पूरी दुनिया एक पेज पर आ गई। और वो जो मुल्क थे जो ज्यादा अमीर थे और जिनकी इकोनॉमी ज्यादा थी और जिनके वसाइल ज्यादा थे वो सबसे ज्यादा हिट हुए। आप देखिए ना कि अफगानिस्तान में कुछ नहीं हुआ और अफ्रीका के मुल्कों में कुछ नहीं हुआ, और अमेरिका के अंदर जो है वो यानी हमें बेचारे जो डेड बॉडीज को संभालना मुश्किल हो गया। तो इसमें इकोनॉमी भी हिट हुई, एजुकेशन भी हिट हुई, और ये तमाम चीजें हिट हुई। तो मैं ये समझता हूं कि जाती तौर पर इंफरादी यानी पर्सनल कैपेसिटी में और एक सोसाइटी की कैपेसिटी में और नेशनल कैपेसिटी में और ग्लोबल कैपेसिटी के अंदर ये एक टेस्ट होता है हर एक का कि इट्स एडवर्सिटी में वो कैसे बिहेव करते हैं। अगर तो एक इंडिविजुअल वो बना हुआ है, वो उसको उसकी ट्रेंड है, वो ग्रूम्ड है, उसका एडवर्सिटी कोशेंट हाई है, और एक सोसाइटी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ी हुई है और एक नेशन स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ी हुई है और पूरी ग्लोबल कम्युनिटी एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ी हुई है, तो ये दुनिया का पूरा आप इतिहास कहते हैं ना पास्ट को, कि जितना भी पास्ट है वो ये बात बताता है कि ऐसे जब भी वाकयात हुए हैं तो लोग उसमें से वीक होके नहीं निकले, स्ट्रॉन्ग होके निकले हैं। और ये कोविड में भी ऐसा हुआ है कि गो यहां बहुत प्रॉब्लम हुआ है और बहुत ज्यादा इकोनॉमी हिट की है और बहुत सारे प्यारे जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं। अगर हम उसको, मैं जानता हूं कि हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था कि वो बेचारा हमेशा ये कहता था मेरा कुछ कारोबार नहीं चल रहा, मेरी कुछ मदद कीजिए, कहीं से कुछ पैसे ले लेता था। जो ही कोविड शुरू हुआ एक दिन मुझे वो मिला तो एक नए मोटरसाइकिल पर जा रहा था, मास्क पहना हुआ, कहने लगा कि साहब मेरा तो मजे हो गए हैं। तो मैंने तो ना थोड़ा सा मैं आईटी का काम जानता था, तो मैंने ऑनलाइन बर्गर और वो थोड़ी सी कुछ चीजों का एक काम शुरू किया है, तो वो मेरा तो काम ही नहीं खत्म होता। तो ये देखिए, मैंने 2 महीने में ये मोटरसाइकिल खरीद लिया है और ये कर लिया है। इसी तरीके से एजुकेशन से आप देखिए कि हमें ऑनलाइन पढ़ाने का कुछ पता ही नहीं था, ऑनलाइन एग्जाम्स का हमें पता ही नहीं था, हमें ये नहीं पता था कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस की जा सकती हैं। तो टेक्नोलॉजी की और ज्यादा हमें जो मुख्तलिफ जो चॉइसेस थी हमारे पास वो एक्सप्लोर हुई हैं, बिजनेस के नए तरीके हमें पता चले हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जब से ये दुनिया बनी है उस वहां जो है अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मगर वो लोग जो इस सिलसिले के अंदर जिनका एडवर्सिटी कोशेंट हाई होता है, तो मैं बहुत परेशान रहा हूं। मैं खुद भी कोविड का शिकार हुआ, मेरा बेटा कोविड का शिकार हुआ, और मेरा बेटा तो बहुत सीरियस हो गया था। तो उसने एक दिन मुझे कहा, वो ही इज अ डॉक्टर हिमसेल्फ, तो मुझे कहने लगा कि मुझे बाबा बता दें कि कहीं मैं मर तो नहीं रहा, ताकि अगर मैं मर रहा हूं
तो मैं अपने जो मैं अपने ऑलमाइटी के साथ भी अपने मामलात सेटल कर लूं और दुनिया के मामलात भी सेटल कर लूं, तो मैं मुझे प्लीज बता दें। तो मैंने कहा नहीं नहीं यू विल कम आउट, ब्रीदिंग का उसको प्रॉब्लम होता था, मैं खुद फिर कोरोना में हुआ, तो एक पर्सनली मैं महसूस कर सकता हूं कि जब बंदे को ये पता लग रहा हो कि इसने दुनिया से शायद चले ही जाना हो तो उस पर क्या गुजरती है, और फिर अपने बहुत से प्यारे हमारे सामने गए। लेकिन आपके सवाल का मुख्य जवाब यह है कि जब भी टफ टाइम आता है उस टफ टाइम में हमारा मेटल टेस्ट होता है, तो हमें उस टेस्ट में फेल नहीं होना चाहिए, और हमें इससे ये भी सीखना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं ना उनकी ट्रेनिंग और तरबियत में हमें ये बात सिखानी चाहिए, खास तौर पर हमारी बेटियां जो हैं, और वो हमारी 50% ऑफ पॉपुलेशन का हिस्सा होता है, और हमारे इस ईस्टर्न कल्चर में समहाउ बॉयज गर्ल्स का जो एक थोड़ा सा डिस्पैरिटी मेन डोमिनेंस, तो हमें अपनी बच्चियों को खास तौर पर ये सिखाना चाहिए और लड़कों को भी ये बात सिखानी चाहिए कि जब भी आपके ऊपर मुश्किल हालात आए तो आप उसके अंदर आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस निकाल के उसके अंदर से ग्रोथ को तलाश कीजिए, एडवर्सिटी के अंदर से अपॉर्चुनिटी तलाश करने की कोशिश कीजिए। तो दैट इज व्हाट आई हैव लर्न्ड, आई थिंक आई फाइंड माय सेल्फ अ बेटर पर्सन आफ्टर दिस कोविड, ऑनेस्टली। वेरी नाइस सर, आपके यूट्यूब चैनल को मैं काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ, और इनफैक्ट हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सर के यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी। मैंने देखा है आप पेरेंटिंग के ऊपर काफी बातचीत करते हैं, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे पेरेंटिंग के ऊपर है कि आप बच्चों को पालकों के बारे में इतना बात करते हैं, तो पालकों के लिए आपकी सबसे बड़ी सीख क्या होगी? देखिए पेरेंटिंग के बारे में एक मिसकंसेप्शन दूर करने की बहुत जरूरत है। पेरेंट जब हम कोई वर्कशॉप करते हैं ना जी, तो पेरेंट्स आ जाते हैं तो वो कागज पेंसिल लेके बैठे होते हैं कि बताइए हमें ऐसी टेक्निक जिनसे बच्चे जो है ना वो सीधे हो जाएं, बच्चे जो है ना वो बिल्कुल वो इंसान बन जाएं और सीधे हो जाएं। तो मैं उनसे ये अर्ज करता हूं कि पेरेंटिंग इज नॉट अ नॉलेज अबाउट चिल्ड्रन, पेरेंटिंग मीन ट्रेनिंग ऑफ द पेरेंट्स। वाओ, तो इट इज एक्चुअल पेरेंट्स आर आवर शैडोज। अगर आप एक शैडो को लेंथन करना चाहते हैं या उसको शॉर्टन करना चाहते हैं तो आप शैडो को तो काट नहीं सकते हैं, तो आपको तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को करना पड़ेगा। तो मुझे हिंदुस्तान का नहीं पता, मैं अपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं। मैं वेस्ट में जाता रहता हूं और ये शिकायतें मुझे वहां भी मिलती हैं, खास तौर पर हमारी जो एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन है, जो यूके के अंदर पाकिस्तानी रहते हैं, हिंदुस्तानी भी उसी तरह के ही रहते हैं, तो उनका एक ही तरह का कल्चर है और एक ही तरह से वहां उनके प्रॉब्लम्स हैं सारे, कि यहां की वो डीप ईस्टर्न यानी जो हमारी ट्रेडिशंस हैं उनके साथ वो रूटेड होते हैं। वहां जब बच्चे जाते हैं तो एक वेस्टर्न उस स्टाइल में आते हैं तो उनके अंदर एक डिस्पैरिटी क्रिएट होती है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है और मैं बहुत एहतियात करता हूँ जब भी मैं अक्रॉस द बॉर्डर दोस्तों के साथ बात करता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें भी आ जाती हैं। लेकिन ये बात मैं बहुत ही यानी एक दुख के साथ कहता हूँ कि भी हमारे मुआशरे में ये हुआ है कि पिछले कुछ अरसे से हमारा जो वैल्यू सिस्टम है हमारे इस मुआशरे का, वो वैल्यू सिस्टम अपसाइड डाउन हुआ है। मैं बहुत छोटा था और मेरे वालिद साहब जो कि हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और यहाँ फिर पाकिस्तान में माइग्रेट होके आए थे, वो अपने किस्से सुनाते थे। वो ये कहते थे कि हमारे यहाँ गो पैसे की अहमियत हर दफा रही है, जो जिसके पास पैसा ज्यादा है उसकी, हम लेकिन फिर भी उसकी बुनियाद पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता था। किसी गाँव में, किसी शहर में, किसी इदारे में बड़ा आदमी वो होता था जिसके वर्च्यू ज्यादा होते थे, जो ईमानदार था, जो दयानतदार था, जो सच बोलता था, जो कंपैशनेट था, जो लोगों का ख्याल करता था। तो कोई आदमी ये नहीं देखता था कि उसने फटा हुआ पजामा पहना हुआ है या उसने ये कमीज जो है पिछले दो साल से पहनी हुई है, वो बड़ा आदमी होता था। तो हमारे मुआशरे में पिछले कुछ अरसे से ऐसा हुआ है और इसकी बहुत सारी रीजन जो है वो हमारा वेस्ट से यानी मरगूब, पता नहीं मैं हिंदी ये लफ्ज है, यानी हम इंप्रेस हुए हैं वेस्ट से। वो इसलिए हुए हैं कि हमने पैरेलल उतनी तरक्की नहीं की, वेस्ट ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर ली, तो जिसने तरक्की की होती है फिर उसी की चलती है। तो चूंकि हमारे मेरे हाथ में ये वेस्ट का बना हुआ मोबाइल है, जिस ये टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं ये सारा वेस्ट का है। अच्छा, हमारे ऊपर वो इतना अरसा हम उनके गुलाम रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके घर की मुलाजमा जो है वो वही कपड़े पहनने की कोशिश करेगी जो आपकी बेगम साहिबा ने पहने हुए हैं, क्योंकि जो मालकन ने पहने हैं वही। तो हम सब ने उन जैसा बनने की कोशिश में, और हमारे एक दोस्त ये कहते हैं कि जिस वक्त आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना जो कि अमेरिका का बना हुआ है, तो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर रहे, आप वो सारी वेस्टर्न तहजीब भी डाउनलोड कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी ट्रेडिशन भी डाउनलोड कर रहे हैं। अच्छा, वो सारी की सारी हमारे यहाँ ये हुआ है, मुझे नहीं पता आपके यहाँ भी शायद ऐसा हुआ हो, कि ऐसा हुआ है कि पिछले 30-40 सालों के अंदर हमने अपनी यूथ, जो इस वक्त यूथ नजर आ रही है जिनके प्रॉब्लम्स हैं,
जिनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, जिनके अंदर ड्रग्स के इश्यूज हैं, जिनके अंदर सेक्सुअल एबनॉर्मैलिटीज हमें देखने में नजर आ रही हैं, जिनके अंदर और इस तरह के इश्यूज हैं, ये सारे के सारे उस जमाने में परवान चढ़े हैं कि जिसमें मेरी एज के, मेरी जनरेशन के लोगों ने अपने वैल्यू सिस्टम को अपसाइड डाउन कर और माशरे में बड़ा आदमी उसको बना दिया जिसके पास पैसा ज्यादा है। जो बड़ी गाड़ी में से उतर के आ रहा है वो बड़ा है, जो छोटी गाड़ी में है वो छोटा है, जिसने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं वो बड़ा है, जिसने आम कपड़े पहने बड़े। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है जिससे यूथ जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, उसका अल्फा चेंज हो गया है, उसके रोल मॉडल्स चेंज हो गए हैं। तो ये मैं अर्ज करता हूं, इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो बंदा 30 साल का है, जो 40 साल का है, 50 साल का, वो चेंज हो सकता है। आखिर लोग चेंज होते हैं, मगर उसके चेंज होने के लिए बुनियादी शर्त यह है कि वो खुद चाहे कि मैं चेंज हूं। आप इन्वायरमेंट को चेंज करके उसको चेंज नहीं कर सकते। अलबत्ता वो जनरेशन जो अभी दुनिया में नहीं आई, या वो जो एक साल का बच्चा है, या जो अभी पैदा होने वाला है, या दो साल का है, उन पर हम मेहनत कर सकते हैं। तो मैं इसलिए अर्ज करता हूं कि जो पोटेंशियल पेरेंट्स हैं, जो बच्चियां हमारी 9वीं 10वीं ग्रेड में पढ़ती हैं, जिन्होंने 2-3-4 सालों के बाद उनकी गोद के अंदर जो है एक नेमत आएगी, उनको हम ये बात सिखाएं कि जो आपकी गोद में आएगा उसका वैल्यू सिस्टम आपने क्या बनाना है। और ये आज मेहनत करेंगे तो 20 साल के बाद ये मुआशरे के अंदर ये चीजें नजर आएंगी, और ऐसे लोग पैदा होंगे कि जो जिनका पैसा प्रॉब्लम नहीं होगा। वो इसलिए भी नहीं होगा कि अब टेक्नोलॉजी में देखे ना, जब मैं था ना तो हमारा था कि अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई थोड़ी सी 20-25-40 हज़ार तनख्वाह मिल जाए तो घर का गुजारा हो जाए। हमारी जो आने वाली नस्ल है 10 साल के बाद, इनका ये प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है बिल्कुल। वो तो एक बच्चा छोटा सा मुझे मिला, कहने लगा मैं 2 लाख रुपए कमाता हूँ। मैंने कहा 2 लाख कमाते हो तो वो इतने कैसे कमाते हो? कहते जी आई एम अ कंटेंट राइटर। मैं कहा क्या करते हो? मैंने कहा बच्चों के लिए कंटेंट लिखता हूँ, एंड ही इज जस्ट अ 7th-8th ग्रेड स्टूडेंट। तो अगले 10-20 साल के अंदर हमारे बच्चों का वो प्रॉब्लम नहीं होगा जो कि हमारे वालदैन का प्रॉब्लम था, कि इनको भी किसी तरीके से, खुदा करे कहीं क्लर्क लग जाए, कहीं नौकरी लग जाए, कोई दुकान खोल ले। इनके प्रॉब्लम्स और होंगे, इनके प्रॉब्लम्स के लिए स्ट्रॉन्ग करेक्टर चाहिए होगा, इनके प्रॉब्लम्स के लिए इनका एडवर्सिटी कोशेंट हाई चाहिए होगा, इनकी फिलॉसफी ठीक होने की जरूरत है, फिलॉसफी की बेस पर इनकी साइकोलॉजी ठीक होगी। तो इसलिए मैं पेरेंटिंग के ऊपर करता हूं। अब सॉरी ये मैंने थोड़ा बैकग्राउंड ज्यादा बताया। मेरे ख्याल के अंदर आपके सवाल जो था उसका जवाब ये है, समझने के लिए कि बच्चों की जिंदगी के अंदर 3 पीरियड्स होते हैं। एक पीरियड है फ्रॉम day 1 to 7 years of age। इस पीरियड के दौरान, ये हमारे एक दोस्त हैं पाकिस्तान में, साहिल अदीम साहब, तो मैं एक्चुअली उनको एक्नॉलेज करता हूं। ये एल्गोरिदम मैंने उनसे सीखा है और उनसे मैंने इजाजत भी ली कि मैं उसको मैं कोट कर सकता हूं। देखिए 7 साल की उम्र तक जो बच्चे हैं, इन बच्चों में पेरेंट्स की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है जैसे एक नर्स की जिम्मेदारी होती है एक मरीज के ऊपर। इस दौरान के अंदर आपने उन्हें मोरालिटी, सही क्या है, गलत क्या है, गुनाह क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, मार कहां पड़ेगी, सजा कहां मिलेगी, ये बताने की नहीं है इस दौरान। और बच्चों के अंदर सही गलत के लिए कोई यार्डस्टिक नहीं होती 7 साल की उम्र में, क्योंकि उनका प्री फ्रंटल लोब अभी डेवलप ही नहीं हुआ होता, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप। इस 7 साल की उम्र में उनके नजदीक सिर्फ 2 होते हैं, लवेबल, नॉन लवेबल, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। तो जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी यह है कि जिसको वो सही समझते हैं उसको लवेबल बनाकर एक एनवायरनमेंट उनके इर्द गिर्द क्रिएट करते हैं, और डायरेक्ट एडवाइस ना करें, कुछ ना करें, एक लवेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, प्रोटेक्ट करने वाला इनवाइट करें। और जिस किस्म का आप उनको 20 साल की उम्र में बनाना चाहते हैं एग्जैक्टली उसी किस्म का आप बिहेव करना शुरू करें। वेरी नाइस। दिस इज अप टू सेवन ईयर्स। और इस दौरान के अंदर एक जो बहुत, पता नहीं हिंदुस्तान में आपके क्या होता होगा, हमारे यहाँ तो 3 साल के जब बच्चा होता है तो माँ को फिक्र होती है भाई इसको मैं फटाफट स्कूल में दाखिल कराऊं, प्री नर्सरी, प्री फलाना, प्री। और साइंटिफिक नॉलेज हमें ये, कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये बताती है और चाइल्ड साइकोलॉजी, कि ये जो एकेडेमिक नॉलेज है ये 7 साल में उस बच्चे की जरूरत ही नहीं है। 7 साल में उसको ये, दिस इज 7 साल में, दिस इज माई आई, दिस इज माई हेयर, दिस इज माई नोज, ये याद कराना, या उसको एक मजहबी जो जितनी भी है वो सारी वर्सेज उसको याद कराना, या उसको ये कराना कि जो 4 खानों की इंगली में जब पी लिखना है तो पी का जो खाना है वो ऊपर होगा या नीचे होगा। आप इस चक्कर में उस बच्चे को डालने से हम समझ रहे हैं कि उसको नॉलेजेबल बना रहे हैं, हम उसको नॉलेजेबल नहीं बना रहे, हम उसको एक टनल में से गुजार रहे हैं, उसको ऐसे हम बना रहे हैं कि जस्ट उसको वेरी बहुत नैरो कर रहे हैं उसको। तो इसलिए 7 साल तक बस एक सरसरी सा नॉलेज हो,
बहुत एकेडेमिक नॉलेज ठोसना नहीं चाहिए, 7 साल तक फिर क्या करना चाहिए, कंटेक्सचुअल नॉलेज होना चाहिए। उसको आप खेत में ले जाएं वो आपके साथ बैठ कर वो करे, उसको किचन में ले जाएं वो आपके साथ बैठ के बर्तन धोए, जब बिजली का बिल जमा कराने जाएं उसको साथ ले जाइए, तितलियां पकड़ने साथ ले जाइए, सहरा दिखाइए उसको, समंदर दिखाइए, शॉपिंग में साथ ले जाइए, उसके हाथ में पेंट ब्रश दीजिए उसको ब्रश कराइए, उसको मट्टी में खिलाइए, उसको यानी घुमाइए फिराइए। अच्छा, फिर हर घर के अंदर एक लिस्ट बन, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रहा? नहीं ठीक है सर, प्लीज। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि हर घर में एक लिस्ट बनी हो कि 7 साल की उम्र में किन किन टॉपिक्स पर हमारे घर में डिस्कशन हो चुकी होगी, ओके, और 7 साल की उम्र में कौन कौन लोग हमारे घर में विजिट करने आ चुके होंगे और हम किन के घर में जा चुके होंगे जी, और 7 साल की उम्र में इस बच्चे के हाथ में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को ये प्ले कर सकता हो, 7 साल की उम्र में किस उम्र में इसके हाथ में छुरी देनी है, किस उम्र में हथौड़ा देना है, किस उम्र में पेंट ब्रश देना है, किस उम्र में ये चूल्हे को इस्तेमाल कर सकता है, तो ये है 7 साल तक। अलबत्ता 7 साल के बाद जो 13 साल तक का पीरियड है, इसमें उस बच्चे के अंदर राइट रॉन्ग सही गलत ये डेवलप होता है, सजा जजा ये सब चीजें, गुनाह सवाब ये सब चीजें डेवलप। अब आपने उसको ये तमाम चीजें बतानी है, बट नॉट इन द टर्म्स ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स, बट इन द टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, if you sleep at 9 o'clock, the consequence of it will be that you will have a comfortable sleep and you will wake up early. If you will sleep at 11 o'clock, then the consequence will be that you will have a bad health. yani ye nahi ki it will be a punishment to you, ji that will be con, aur ye compass uske andar develop hona shuru ho jata hai fir, aur iske baad hum usko zimmedariyan dalna shuru karte hain, yani uske baad 7 saal ki umar mein bachcha jo hai wo apna homework khud kar sakta ho, apne kapde khud change kar sakta ho, apni almari theek kar sakta ho, अम्मी घर पे नहीं है तो मेहमानों को लुक आफ्टर कर सकता हो वगैरह वगैरह। और जब वो 13 साल का हो जाता है तो हमारी पेरेंटिंग टोटली चेंज हो जानी चाहिए। एट 13 ही इज एन एडल्ट, पेरेंट्स एट द मोस्ट कैन बी अ फैसिलिटेटर, नाउ यू कैन नॉट इम्पोज योर डिसीजंस ऑन द चाइल्ड। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो एट द कॉस्ट ऑफ योर रिलेशनशिप होगा। तो ये एक थोड़ा सा मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है फ्रॉम डे 1 to 13। इस तरह 3 फेजेस में हमें बच्चों की पेरेंट, लेकिन इसकी बहुत माइनर डिटेल्स हैं जिनको वी कैन डिस्कस सम अदर टाइम मे बी। सर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि 11th और 12th के जो बच्चे रहते हैं, आई थिंक वो एक ऐसी एज रहती है जहां पे वो अपना एक डिसीजन मेकिंग करके किस राह पे उसको आगे बढ़ना है वो राह वो तय करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर बोथ द साइड, पेरेंट्स साइड एज वेल एज जो बच्चों का साइड है वो। इस समय आपके लिए बच्चों के लिए क्या नसीहत है या क्या सजेशन है कि बच्चों को क्या विजन रखना चाहिए, क्या व्यू पॉइंट रखना चाहिए? देखिए 12 साल की उम्र तक अगर तो उनका पीछे वाला पीरियड वैसा गुजरा है जो मैंने आपसे भी अर्ज किया है, तो इसके नतीजे में 12 साल की उम्र में पेरेंट्स का अपने बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो लाइक अ मेंटर लाइक अ फ्रेंड डेवलप हो चुका होगा। एब्सोल्युटली। लिहाजा इस उम्र का बच्चा आपको जब बताएगा कोई चीज तो एक्चुअली विद द व्यू ऑफ लर्निंग बताएगा और आपसे कहेगा बाबा मुझे बताइए मैंने ये सोचा है कि मैं इंजीनियरिंग करूं, प्लीज बताइए। और जब आप उसको एक प्लस माइनस बता के बताएंगे कि मेरी असेसमेंट के अंदर आपको इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, तो ही विल बी रिसेप्टिव टू अंडरस्टैंड यू। प्रॉब्लम उस वक्त होता है जबकि जो 7 साल से लेकर 13 साल का पीरियड वो गुजरा है जिसमें हमने बच्चे को डांटा है, जिसमें हर वक्त तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आए, तुम ये नहीं करते, तुम कहां चले गए थे, रात को क्यों नहीं आई, दरवाजा क्यों नहीं बंद किया, तुम बहुत बदतमीज हो, मैं तो अपने अब्बू की बड़ी खिदमत करता था, तुम तो कुछ भी नहीं करते हो। अब जो 12 साल का बच्चा है ना, अब जब भी आप उससे कोई बात करेंगे तो मैं आपको बहुत यकीन से कहता हूं कि आप जो भी एडवाइस देंगे वो उसके उल्टा करेगा जी। लिहाजा 13 या 12 का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि पहले के टाइम में हमारी उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, कंडीशनिंग कैसी होती आ रही है। हाँ, अगर बच्चे हमारा 12 साल का बच्चा हमारा कहना सिर्फ तब मानता है जब हमारी उसके साथ प्रायर रिलेशनशिप खराब है। इसलिए जब ये मैं बातें करता हूँ, बाज लोग कहते हैं ये तो गलतियां हमसे हो गई, मेरा बच्चा तो 12 साल का, मैं क्या करूं। मैं उनसे अर्ज करता हूं कि अब आप ना उसकी तरबियत का ख्याल छोड़ दें, आप सिर्फ उसके साथ उसका रिलेशनशिप डेवलप करें। ओके। उसके लिए उर्दू में एक लफज है मान, पता नहीं हिंदी में भी यूज किया जाता होगा मान, कि भाई ये मेरा मान है। आपने देखा होगा कि एक आदमी है वो किसी का कहना नहीं मानता, आप उन्हें कहते हैं कि फलां हमारे चचा हैं उनको ले आओ, अगर उन्होंने वो बात कह दी तो वो मान लेंगे, और वो जाके कहता है यार मैं जो आ गया हूं तो मान लो, तो वो ये नहीं देखता कि बात गलत है या बात सही है।
बिकॉज ऑफ दैट मान एंड दैट रिलेशनशिप वो उसको एक्सेप्ट. बच्चे के साथ भी ऐसा ही है. बच्चों के साथ पेरेंट का अगर रिलेशनशिप ट्रस्ट वाला होगा, और वो तभी डेवलप होगा कि अगर हमने उनको पहले ना जल्लाद की तरह उसके साथ वक्त ना गुजारा. तो दैट इज व्हाट आई फील. बहुत प्रिया सर. सर एक बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो हम सभी इंटरव्यू में बात करते हैं हमारे गेस्ट स्पीकर से, कि हम इस दुनिया में आए हैं खाना खाना, पैसे कमाना, हमारे दैनिक दिनचर्या के कार्य करना, ये जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. पर ये जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या हम मात्र यह एक सहयोग है ये कार्य करने के लिए, या कोई स्वर्णिम अवसर है? इज इट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और इट इज जस्ट मेरली अ कोइंसिडेंट कि हम ये कार्य करने आए हैं? देखिए, एक बात बहुत जरूरी है समझना कि एवरी ह्यूमन बीइंग व्हिच हैज ओपन्ड हिज और हर आईज हियर ऑन दिस प्लैनेट, वो यूनिक है. वाओ. अच्छा, आप इसको एनिमल से कंपेयर करें, जितनी बकरियां हैं वो यूनिक नहीं है, जितने कुत्ते हैं वो यूनिक नहीं है. वो जो आज से 10,000 साल पहले जो कुत्ते की शेप थी वो वैसी ही शेप है. इसीलिए कुत्ते की जो जाति है उसने कोई ना कोई डेवलपमेंट नहीं की. वो सारे के सारे वहीं खड़े हैं. उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि जो भी एनिमल इस दुनिया में, उसकी क्या कारण है उसका मुझे नहीं पता. ये जो पैदा करने वाले की अपनी एक उसकी उसमें है. देखिए, जो भी एनिमल पैदा होता है वो दो लाइनों के दरमियान पैदा होता है. इससे नीचे नहीं होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा. लिहाजा जिस वक्त बकरी का बच्चा पैदा होता है ना, तो बकरी का बच्चा पैदा होने के 4 घंटे के बाद वैसे ही बोलना शुरू कर देता है जैसे उसकी मां बोल रही थी, और वो वैसे ही भागना शुरू कर देता है जैसे उसका बाप भाग रहा था. ये बात इंसान बच्चे के लिए क्यों नहीं है? इंसान के बच्चे को खड़े होने में 1.5 साल क्यों लगता है? इंसान का बच्चा, जब बकरी का बच्चा मां की तरह बोल सकता है 4 घंटे के अंदर, तो इंसान का बच्चा 1 साल में बाबा पापा ताता भी बड़ी मुश्किल से कहता है. व्हाई इट इज सो? इट इज बिकॉज के उसकी अपर एंड लोअर लिमिट डिफाइंड है. इतनी उम्र में वो इतना होगा, इतनी उम्र में वो ये खाएगा, इतनी देर के बाद वो रिप्रोडक्शन करेगा, उसका इतना साइज होगा, इतनी. और अगर उसको कोई वो ट्रक के नीचे ना आ गया, या कोई उसको एक्सीडेंट ना हो गया, तो इट विल हैव इट्स यू नो फिजिकल लाइफ एंड इट विल जस्ट गो अवे. लेकिन ह्यूमंस की नीचे की लाइन है, ऊपर की लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है. एवरी ह्यूमन बीइंग व्हिच हैज बोर्न हियर हैज गॉट अ पोटेंशियल टू बी अ ह्यूमन बीइंग व्हिच एनी ह्यूमन बीइंग सिंस दिस टाइम स्टार्टेड टिल दिस टाइम विल एंड. जो भी इंसान कुछ भी बना है वो इंसान बन सकता है. सो ह्यूमंस आर बोर्न विद पोटेंशियल्स, दे आर नॉट बोर्न विद अ यू नो डिफाइंड इंस्टिंक्ट्स. अच्छा, इसलिए आपके किसी भी इंसानों के बारे में कोई भी जवाब जो है वो डेफिनेटिव जवाब नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि इट इज यूनिक. एक तो पहले ही अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी. लिहाजा जब हम कहें कि किसी इंसान के यहां आने का क्या कारण है और उसका क्या पर्पस है, तो इट इज सच अ यूनिक क्वेश्चन. योर पर्पस ऑफ लाइफ मे बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ पर्पस ऑफ लाइफ विच बिलोंग्स टू मी. एक तो ये बात बड़ी समझनी बहुत जरूरी. लिहाजा जितने भी रिफॉर्मर्स हैं, अगर वो ये चाहें कि हम इम्पोज कर दें लोगों पर और लोगों को ये कहें कि दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस पर्पस, इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट ऑन एंड दिस इज नॉट फेयर एंड नो वन कैन डिसाइड. इन ऑर्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड यू नो व्हाट जावेद इज थिंकिंग, यू हैव टू बी मिनिमली जावेद. Absolutely. You can never be, which means you can never understand me. अच्छा, मैंने, but for my sake, मैंने अपने लिए इसका क्या हल निकाला है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं. It is unique to me what I have understood that what is my purpose of life, why. Absolutely. I have on this world. Wow. मैं आपको exact purpose भी नहीं बताता, मैं आपको 3 चीजें बताता हूं. These three are the main principles and yardsticks. Meri understanding ke andar, maybe I'm wrong. Anything which we call as a purpose of life should fulfill these 3 criteria. Okay. Number one, whatever purpose of life you have, it should not be your need. Anything which is your need is not your purpose of life. I want to build a big house on 4 canals in the most posh area in Bahawalpur. Now this may be my need and no one can deny this need. You know, I may need big house, but this cannot be my purpose.
I want to earn 5 crore rupees within 1 year. This can be my need. So number one, whatever purpose we make, it should not be our need. Number one. Number two, whatever purpose we make, it should not be time bound. Wow. All great people, the prophets, the reformers, and all great people, their purpose has always been beyond time. This is why when they leave this world, still the effectivity of their work just continues. So if we want to have a purposeful life, the other criteria for deciding that which will be our purpose, it should not be time bound. For example, you think that after 10 years, I want to do this. And if you do it, the next day you should die. Because your purpose is fulfilled, right? When your purpose is fulfilled, why you are living? Yes. And, you know, without any kind of any bad feeling, I mean, in West, we have seen that people are suffering because of that. Because of their cultural reasons, they have got purposes which are time bound and which is their need. Need. Most of the people. And they achieve it very quickly because there are so many resources over there. Yeah. And when they achieve it, they immediately get that spiritual hollowness, which results in all those things which we are seeing in our society and more so in West. I was in Australia. There was a very beautiful girl. She was our librarian and she had beautiful blonde hair and very pretty girl. And one day I found that she just shaved her head. And then she had some kind of a ornament there on the tongue. And she tattooed her cheeks. And she was looking ugly. What happened? She said, I'm frustrated. I have nothing to do. I have to, and you see these type of, and you cannot actually raise a voice against them even. You see so much stupidity sometimes, but for the human rights, you say, no, that is a person's right. And that is because of that purposeless life. Because the purpose becomes time bound. So this is the second. So number one, purpose need. Should not be your need. Need. Number two, should not be time bound. Whatever I'm striving for, this should continue even when I disappear from here. And three is that number three is, which is very important, that whatever is my purpose of life, whatever yield I have from that purpose, that should have a nobility. Wow. Nobility means the beneficiary of my effort should be other than myself and my spouse and my siblings. Absolutely. Now, if these three, so whatever I'm doing, other people are getting benefit out of it. So if these three things are present, that means we are having a purposeful life. However, specifically, what will be the purpose? Maybe someone won't say, my purpose is that I want to remove the malnutrition from my village. Some will say, I want to just want that all maternal mortality is decreased. Someone say, I want to make an orphan house and I want that all orphan. Someone just say, I want to just remove this pollution from this world. Someone say, I will just sit in some cave and I want to, just please my Lord and I will just do my worship. So, I mean, no one should have any problem about anyone, whatever purpose of life he has decided, provided these three ingredients are there. And I'm waiting till I learn more. Maybe someday I say four, maybe I say five, and then I will share it with you. No, it's a great thought, sir. Great thought. Sir, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे आप जीवन में बहुत प्रभावित हुए और आपको ऐसा लगता है कि मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? एक तो जो बड़ी अहम बात है ना, जो दो तीन बातें जो मुझे जिंदगी में बहुत जरूरी लगती हैं, एक बात तो यह है कि हम किसी को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, और दूसरी बात यह है कि मुझे ये लगता है अब, मे बी ये मैंने बहुत, मेरी 60 ईयर्स एज है, शायद अब जाके मुझे लगना लगा है, पहले शायद ना, कि जो भी शख्स मेरे सामने मौजूद है ना, वो मुझसे ज्यादा जानता है। अच्छा, अगर फर्ज करे मैं कहूं नहीं वो ज्यादा नहीं जानता, उसके पास डिग्री उतनी नहीं है उसका, लेकिन कम अज कम वो कोई ऐसी चीज जरूर जानता है जो मैं नहीं जानता जी, को एटलीस्ट कोई एक ऐसी चीज जरूर है जो मुझे नहीं पता। अच्छा, ये वो एटीट्यूड है जो मैं समझता हूं कि बहुत ही जबरदस्त एटीट्यूड है, जो आपको इमीडिएटली एक लर्नर बना देता है। देखिए ना, एक आदमी आपको सड़क पे फकीर मिला, अच्छा उसको फकीर, बिल्कुल आप जा रहे हैं गाड़ी पे जा रहे हैं, एक आदमी फकीर वहां बैठा हुआ है, उस फकीर को कुछ ऐसी बात पता है जो के मुझे नहीं पता जी, और इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न दिस फ्रॉम दैट पर्सन। तो एक तो मैं ये समझता हूं कि हर बंदे को
अपने आप से बेहतर समझना किसी ना किसी एस्पेक्ट के अंदर, ये वो एक बड़ी जबरदस्त बात है जो मैं समझता हूं कि हमारे अंदर हमें डेवलप करनी चाहिए। और ऐसा डेवलप करने से, अच्छा दूसरी बात यह है कि हमें ना माफ करने की एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। जो दिल में रख लेना है ना कि ये जो फलां वक्त में, उस वक्त जब उसने यूं किया था ना, तो इसका ये मतलब था। तो हम ना, जैसे देखो हमारा पैदा करने वाला भी तो हमें माफ करता है ना, जैसे हमारे ये कहते हैं ना, मेरे पास बंदा कहता है जी फलां, मैं उसको माफ नहीं कर सकता। मैं उसको पूछता हूं कि देखो तुमने सुबह फजर की नमाज पढ़ी थी? वो कहता नहीं। तो मैंने कहा अगर खुदा भी तुम्हारी दो उंगलियां काट दे कि तुमने फजर की नमाज नहीं पढ़ी थी, तो अब क्या करोगे? वो उसने तो माफ कर दिया तुम्हें, उसने तो कुछ नहीं कहा, तुम्हें खाने को भी दे दिया, हवा भी नहीं रोकी तुम्हारी, ऑक्सीजन भी मिलती रही। तो दूसरा मैं समझता हूं कि एक ह्यूमन मुआशरे के अंदर ना, एक तो हम लर्निंग एटीट्यूड में आ जाएं, दूसरा हम लोगों को ना माफ करें, टॉलरेट करें, हम लोगों को टॉलरेट करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मुझे अब लगता है ऐसे कि दुनिया के अंदर बुरे लोग शायद नहीं होते, और जो लोग हमें बुरे लग रहे होते हैं वो लोग होते हैं जिनसे बुराई हो जाती है। यानी वो उन्होंने, यानी एक आदमी ने चोरी कर ली, मगर वो चोर नहीं है, नहीं है, और तो चोरी की है, यस चोरी की है, उस चोरी करने पर जो भी उसको करना है वो आप करें, जो आपका लॉ कहता है, लेकिन ये ना कहें कि वो चोर है, क्योंकि वो साध भी बन सकता है, वो नेक भी बन सकता है जी। तो इसलिए मुझे ये ना, ये लगता है कि ये दो तीन बातें ना हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, टॉलरेंस सिखानी चाहिए, और दूसरा एक लर्निंग एटीट्यूड हर वक्त ना। वो आपके यहाँ हिंदुस्तान में है ना संदीप महेश्वरी, तो जो जिनके काफी चैनल के ऊपर मैं कभी कभी उनको सुनता हूँ, और बड़ा आई एडमायर हिम एंड ही इज अ वंडरफुल पर्सन। तो वो एक दफा वो क्लासिफिकेशन करते हैं कि जी एक अर्निंग एटीट्यूड है, एक लर्निंग एटीट्यूड है। मुझे उनकी ये बहुत जबरदस्त बात लगती है कि इंसानों को आप दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो बंदा है जो हर वक्त हासिल करना चाहता है वो चीज जिसको पैसे से खरीदा जा सकता है, ये वो बंदा है जिसको अर्निंग एटीट्यूड, और एक है कि दूसरा भी हासिल करना चाहता है मगर वो चीज जिसको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, उसका लर्निंग एटीट्यूड है। तो हमें, मेरे ख्याल में आपके सवाल का, वैसे तो और भी चीजें होंगी, मगर दो चीजें मैं अपनी जिंदगी में बहुत कोशिश करता हूं कि मैं ये देखता रहूं कि हर सिचुएशन से, हर पर्सन से और हर फिनोमेना से मैं क्या नया सीख सकता हूं। और दूसरा यह है कि मैं कैसे लोगों को माफ कर सकता हूं, लोगों को टॉलरेट कर सकता हूं, और उनको थोड़ा लैटिट्यूड दे सकता हूं, उनको माफ कर सकता हूं। ये मेरा ख्याल है। सर आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट सजेशन आपको किसने दिया, आपको सबसे बेस्ट एडवाइस किसने दी, और वो एडवाइस क्या थी? देखिए मेरी जिंदगी में जो एज अ पर्सन जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ना, वो मेरे फादर की है। तो वो अभी इस दुनिया में नहीं है, और मेरे फादर ने जो मुझे सिखाया, हो सकता है उन्होंने खैर लफ्जों से भी मुझे बहुत सिखाया, ही टॉट मी सो मेनी थिंग्स बाय वर्ड्स, लेकिन जो उन्होंने अपने एटीट्यूड से मुझे सारी जिंदगी सिखाया इस दुनिया में से जाने तक, कि उन्होंने कभी किसी शख्स का बुरा करना तो दूर की बात, किसी का बुरा सोचा भी नहीं। Wow. He never thought of, you know, doing any bad with some person. तो ये एक ना एक बड़ी बात है कि वो, और मैंने अपने वालिद से ये सीखा कि किसी भी शख्स का, देखिए हम हैं कौन, हमारी हैसियत क्या है, देखिए हमारी हैसियत क्या है। वो एक शख्स यहाँ मेरे पास आया, कहता जी मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मैं जिंदगी से तंग आ गया हूं। मैंने कहा बिल्कुल मैं आपकी मदद करता हूँ, आप अपना नाक बंद कर लें और मुंह में बंद कर देता हूँ दोनों, तो मेहरबानी करके ना आप 4 मिनट तक ऐसे बैठे रहिएगा तो मैं आपको हेल्प करता हूं। तो 2 मिनट के बाद ना उसने ऐसे से करना शुरू कर दिया। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे थे, आप मरना नहीं चाहते हैं, आपका एक एक सेल कह रहा है कि खुदा के लिए मैं जिंदा रहना चाहता हूं, ये ऐसे आप ड्रामा कर रहे हैं कि मैं मरना चाहता हूं। तो मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि ये जो हमारी जिंदगी है ना, ये हमारी सबसे बड़ी नेमत है। ब्रीदिंग, वी आर लिविंग, वी आर अलाइव, दिस इज द वंडरफुल, दिस इज एक्चुअली अ मैजिक व्हिच इज टेकिंग प्लेस। इस मैजिक की कदर करने का तरीका ये है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी जिंदगी है ना, हम उसके साथ एक यूनिटी के साथ रहे, एक वननेस के साथ रहे, वननेस के साथ। तो मैं ना, हो सकता है आपको ये बात लगे कि शायद मैं ऐसे हाइपोथेटिकल कह रहा हूं या सुनी सुनाई बात है, कई दफा आप महसूस कीजिए कि थोड़ा सा ना वननेस को फील करें ना, आप किसी दरख्त के पास खड़े होते हैं ना, तो आपको ऐसे लगता है कि यार ये तो अपना है, ये तो अपना है यार, और आप दरख्त को देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो ऐसे चुप करके खड़ा है, यार इसको कितना सबर है इसके अंदर, यार कितनी इसको टॉलरेंस है, यार ये तो कोई शिकायत ही नहीं कर रहा, और देखो ये सबको साया दे रहा है, और जिसको यानी आप इस तरह की बातें भी महसूस करने लग जाते हैं जी। अगर आपको जिंदगी की कदर हो और आप उस वननेस को महसूस करना शुरू कर। मेरे ख्याल में मैंने अपने फादर से ये बात सीखी
कि हमें एक वननेस डेवलप करनी चाहिए और लोगों की गलतियों को एक ऐसे समझना चाहिए जैसे हीरा है ना, डायमंड है, तो एक डायमंड है जो अंगूठी में लगा हुआ है और एक डायमंड है जो नाली में पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कीचड़ लगा हुआ है जी। वो तो देम आर डायमंड्स, अनफॉर्चुनेटली उसके सर्कमस्टांसेस ने उसको कीचड़ में गिरा दिया है, इसके सर्कमस्टांसेस ने इसको बादशाह की अंगूठी में डाल दिया है। वाओ, उसको निकाल के उसका सर्कमस्टांसेस चेंज कर देंगे, इज द सेम डायमंड, मेबी इट इज मोर एक्सपेंसिव, मेबी इट्स अ मोर एक्सपेंसिव डायमंड देन द डायमंड व्हिच इज देयर इन द रिंग। तो इसलिए इंसान भी इसी तरीके से है। देखें, आपके सामने एक बंदा चोर है, झूठ बोल रहा है, लड़ाइयां कर रहा है, आपको क्या पता वो बेचारा किस नाली में पड़ा हुआ है, आपको क्या पता कि वो उसके अंदर क्या सर्कमस्टांसेस, और हमें क्या पता कि जो उसके ऊपर गुजर रही है ये मेरे ऊपर गुजर रही होती तो मैं क्या कर रहा होता जी। तो इसलिए ये मैंने अपने वालिद साहब से सीखा, अपने फादर से। बहुत सुंदर सर, आई विश कि मैं उस पे अमल भी कर सकूं। बहुत सुंदर सर। सर मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में एकदम यू टर्न लेके आया, व्हाट वाज दैट इंसिडेंट? ओह रियली, वेल ऐसा नहीं हुआ, मैं दुआ करता हूं कि ऐसा ना हो। इसलिए वो इसलिए कि इंसान के चेंज होने के दो तरीके हैं। एक तरीका है जो कि स्लो एवोल्यूशन का तरीका है, जिसमें चेंज का पता नहीं चलता। आपका बेटा पैदा हुआ ना तो सबने देखा, दो साल के बाद आपको वैसे ही लगा, लेकिन आपके दोस्त दो साल बाद आए, उन्होंने कहा अरे ये तो प्रेम कितना बड़ा हो गया, ये जावेद कितना बड़ा हो गया, ओहो ये देखो कितना बड़ा हो गया। अच्छा, ये जो चेंज है ना, ये है स्लो एवोल्यूशन की चेंज। मैं ये दुआ करता हूं कि मेरी जिंदगी के अंदर कोई यू टर्न ना आए और जिंदगी जो है वो इसी स्लो, क्योंकि यू टर्न की मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, रियल एग्जांपल, और हमें सबको उससे तौबा करनी चाहिए। हमारे एक दोस्त तो नहीं थे, मेरे जानने वाले थे। ही वॉज अ सर्जन, ही वॉज अ वेरी कॉम्पिटेंट सर्जन, बट ही वॉज अ वेरी वेरी ग्रीडी पर्सन, एंड सम टाइम ही वॉज हैज एन हॉस्पिटल इन अ पेरिफेरियस। बाज़ुकात वो ऐसी हरकतें अनएथिकल करता था कि पेशेंट को ऑपरेट करके चीरा दिया, ओपन किया, बाहर आके कहा कि भाई 40,000 जमा कराएं तो फिर आई विल कंटिन्यू माई प्रोसीजर, और वो कहता था आई एम अ स्किलफुल पर्सन, दिस इज, और इससे भी बाज का अजीब अजीब बातें वो करता। एंड वन डे ही हैड अ यू टर्न एंड ही चेंज्ड एंड ही टर्न्ड हिज हॉस्पिटल इनटू अ फ्री हॉस्पिटल। यू नो व्हाई? बिकॉज ही हैड अ रोड साइड एक्सीडेंट वेयर हिज वाइफ डाइड एंड वन ऑफ हिज सन वॉज टीथर्ड इनटू फ्लैश एंड बोन्स इन फ्रंट ऑफ हिज आईज। माय गॉड। And he has got 3 bones fractured. And next day he's changed because he had a new turn in his life. तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, ये दुआ करनी चाहिए कि हमारे हम चेंज होने के लिए इस किस्म के किसी यू टर्न का इंसिडेंस का इंतजार ना करें। तो इसलिए मैं तो दुआ करता हूँ कि हमारी जिंदगी में ना ही यू टर्न आए और हम जो है स्लो एवोल्यूशन के साथ ही स्लो एवोल्यूशन, और हमारे ऊपर ऐसा कुछ ना ही हो कि जिसमें हमें चेंज होने के लिए ना एक हमें यहाँ फरिश्ता जो है ना गर्दन पर रख के हमें चेंज करें, मौत दिखा के चेंज ना ही हो तो अच्छा है। तो मैं आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी जिंदगी में स्लो एवोल्यूशन ही रही है, कोई इस तरह का यू टर्न नहीं आया और मैं उससे तौबा भी मांगता हूं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय हमें दिया। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू, काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ समझने को मिला। हमारे सभी व्यूअर्स के लिए ये कॉन्वर्सेशन चिंतन का विषय है, मनन का विषय है। आइए सोचे किन बातों को अपने जीवन में हम आत्मसात कर सकते हैं, क्योंकि कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं जरूर शेयर करें और हम जल्दी मिलते हैं अगली पर्सनालिटी से। तब तक हम सभी